में उग्र समुदाय और अन्य समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ अमेरिका अब और सख्त हो गया है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने चीन पर बहुत से प्रतिबंध फिर से लगाए हैं, जिसमें चीन की 14 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना भी शामिल है। अमेरिका ने पाया कि चीन में उग्र समुदाय और अन्य समुदायों के उत्पीड़न में इन 14 कंपनियों का भी शामिल होना पाया गया है, जिसके बाद अमेरिका ने यह कार्रवाई की गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चीन के जीजियांग प्रांत के में हो रहे अल्पसंख्यक उइगर समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा चीन के इशारों पर हो रही है। बड़ी हिंसा में कहीं ना कहीं 14 कंपनियों का भी बहुत बड़ी भूमिका पाई गई है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि इन कंपनियों के बारे में कहा जाता है रूस में सैन्य कार्यक्रमों और प्रतिबंधित परमाणु कार्यक्रम में भी इनका हाथ होना या फिर ईरान पर प्रतिबंध जो व्यापार प्रतिबंध लगा है उनका उल्लंघन करना भी इन कंपनियों पर पाया गया है। इन कंपनियों पर प्रतिबंध में अमेरिका द्वारा इन कंपनियों को सहायता और इनके साथ बिजनेस करने पर प्रतिबंध लगाना जैसा प्रतिबंध शामिल है। अमेरिका की कोशिश है कि इन कंपनियों द्वारा उइगर समाज के शोषण की जाने वाली सामानों पर प्रतिबंध लगाना उद्देश्य है। बता दें कि चीन की सरकार ने साल 2017 के जियांग प्रांत में लाखों लोगों को कैद कर रखा है। चीन पे आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ जबरन लेबर कैंप लगाया गया है, इसमें लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और जबरन नसबंदी करने के लिए चीन पर भी आरोप लगे हैं। और आलोचकों का कहना है कि चीन कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों का दमन करना चाहता है, लेकिन अब उइगर समुदायों का अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ इसके खिलाफ हो रही दमनों के खिलाफ ब्रिटेन में भी आवाज़ उठने लगी है। ब्रिटेन के बहुत से सांसदों ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और इसी के साथ उन्होंने 2022 में हो रहे चीन में खेलों का राजनयिक तरीके से बहिष्कार करने का भी फैसला लिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।